गैस बिलों में इजाफे ने शहरियों की कमर तोड़ कर रख दी है। इस बारे में बात करते हैं तर्जुमाने SEMPL शहबाजुल इस्लाम साहब ने हमें ज्वाइन किया। शहबाज साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा कि जो बिल 2000 रुपए तक आता था अब वो 12000 रुपए तक बढ़ गया, यानी एक आम सारिफ जो तकरीबन 8000 रुपए इजाफी बोझ बर्दाश्त कर रहा है, बिलों में इतना फर्क क्यों है, इसकी वजह क्या सामने आई है? देखिए ये जो बिल का जो रेट बढ़ा है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ओग्रा के से बढ़ाया है, तो ये और ये स्लैबिंग सिस्टम पे है। तो अगर कोई कम कंजम्पशन होगी तो उसको कम बढ़ेगा और अगर ज्यादा कंजम्पशन होगी तो उसको ज्यादा बढ़ेगा। सो दिस इज द स्लैब सिस्टम व्हिच इज गिवन टू द गवर्नमेंट, उसकी बेसिस पे ये हो रहा है। तो शहबाज साहब ये स्लैब सिस्टम में रद्दो बदल भी किया गया है, सुनने में ये आया कि वजीर आजम साहब ने इस पर एक्शन भी लिया है। जी जो स्लैब्स तब्दील की गई है, 780 वाले को अब 1800 बिल आएगा या उससे जायद आएगा, तो इस बारे में इब्तदाई तहकीकात क्या सामने आई? देखिए जी हम लोग की ये प्रोजेक्टिव नहीं होता रेट्स सेलेक्ट करना, ये ओग्रा का और गवर्नमेंट पाकिस्तान का प्रोजेक्टिव है। तो हमारे पास जब भी जैसी इंफॉर्मेशन आएगी हम अकॉर्डिंगली उस हिसाब से फिर बिलिंग। ठीक, बहुत शुक्रिया शहबाजुल इस्लाम साहब, आप इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। नाज़रीन आपको यहां पर बताते चलें कि गैस बिलों में इजाफे ने शहरियों की कमर तोड़ के रख दी है। जो बिल 2000 रुपए तक आता था अब वो 12000 रुपए तक बढ़ गया है, और शहरियों का यह कहना है कि पहले सुबह के कुछ औकात में गैस आ जाती थी, हम नाश्ता बना लिया करते थे, लेकिन अब बच्चे भूखे पेट ही स्कूल जाने पर मजबूर हैं। जबकि दूसरी जानिब अगर बिलों की बात करें तो बिलों में बेपनाह इजाफा देखने में आ रहा है। 2000 जिसको बिल आता था अब उसे 12000 का तकरीबन बिल आ रहा है, और शहरी सर पकड़ कर बैठ गए हैं। शहरी इस बारे में परेशान भी हैं, एहतजाज भी कई बार कर चुके हैं, जबकि हुकूमत भी इस बारे में सोच विचार में मसरूफ है कि स्लैब सिस्टम में यह क्या तब्दीली हुई कि जिसकी वजह से शहरियों पर इतना बोझ पड़ गया है।